गुड इवनिंग संगीता जी, ये आप क्या शफल कर रहे हैं? ये पूजा टैरो कार्ड्स हैं और ये राइडर वेट के टैरो कार्ड्स हैं और मैं इनको शफल कर रही हूँ ताकि इनकी जो पहले प्रीवियस रीडिंग्स करी हैं उनकी एनर्जी निकल जाए। तो टैरो कार्ड यूज़ करने से पहले हमें उन्हें शफल करना बहुत ज़रूरी होता है, फिर उसकी फॉर्चून टेलिंग बहुत अच्छी होती है। फॉर्चून टेलिंग कार्ड से संगीता जी, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए प्लीज़। हाँ, तो आपको पता ही है टैरो कार्ड्स जो हैं वो फॉर्च्यून के बारे में या आने वाला टाइम कैसे रहेगा तो उसके बारे में बताते हैं। तो मैं टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में आपको बताने जा रही हूँ कि एक अच्छी टेक्निक इसमें होती है कि तीन कार्ड जो हैं, तीन कार्ड हम पिक करते हैं। तो पूजा, आप कोई क्वेश्चन सोचिए अपने मन में, करियर से रिलेटेड पूछना चाहती हैं? हाँ डेफिनेटली। आपको कैसे पता चला? ये एक टैरो कार्ड रीडर की एक इंट्यूशन होती है। दैट्स ग्रेट। तो आप तीन कार्ड पिक करिए। ओके, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। 1, 2 and 3। ओके, नो वरीज। जो कार्ड नीचे गिर जाते हैं हम उनको भी कंसिडर कर लेते हैं। तो ये भी हमने रख लिया है, तीन कार्ड्स। तो ये पहला कार्ड था। अभी आपका लगता है किसी से झगड़ा हुआ है करियर को लेकर कुछ, एंड यू आर थिंकिंग अबाउट मनी। और ये है कि आपने जो भी कदम उठाना है वो सोच समझ के उठाना है, और आप पार्टनरशिप में ज़्यादा वो रहे होंगे पूजा सक्सेसफुल, तो यू शुड थिंक ऑफ पार्टनरिंग विद पीपल। और आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं और अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ आपने करना है। और अभी आप है ना, आगे अपॉर्चुनिटीज़ हैं पर फिर भी आप उन्हें देख नहीं रहे हो। आपकी लाइफ में आपका न्यूरोलॉजी का काम है या जो भी आपका काम है वो अच्छा चलेगा, बट आप चलते जा रहे हो लाइफ में, ध्यान दो उसके ऊपर। तो ये कार्ड उसके लिए है। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही कहा, बिकॉज मैं न्यूमरोलॉजी में बेसिकली रिसर्च वर्क ज़्यादा करती हूँ, बट थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस, आई रियली कंसिडर दैट। और आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, दो कार्ड जो हमारे नीचे गिरे थे तो उनको भी हम कंसिडर करते हैं। तो ये टैरो रीडिंग के सेशन में मैं बताना चाहती हूँ कि कोई कार्ड अगर शफल करते वक्त गिर जाता है तो उसकी भी एक इंटरप्रिटेशन होता है जो टैरो कार्ड रीडर ही उठा के बताता है। तो इसका मतलब है आपको सक्सेस के लिए वेट करना पड़ेगा, पर सक्सेस अवश्य आएगा आपको। दिस इज हाउ अ टैरो रीडिंग इज डन। थैंक यू सो मच संगीता जी, दिस वाज रियली परफेक्ट। जैसे आपने बताया, वाकई ही मैं पार्टनरशिप के लिए ही सोच रही थी। संगीता जी, दिस वाज वेरी परफेक्ट। पर हम, मेरे को एक बात और बताइए कि कई बार हमारे मन में क्वेश्चंस जो होते हैं वो सिर्फ यस या नो के होते हैं, तो क्या हम टैरो कार्ड से वैसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं? बिल्कुल, जिसको हम कहते हैं पिक अ कार्ड। तो हमें ना सिंगल कार्ड को पिक करते हैं, यस और नो कार्ड होता है, तो पिक अ कार्ड यस और नो। तो कई लोग कहते हैं भाई, डज ही लव मी, डज ही नॉट लव मी? एग्जैक्टली, राइट। या तो किसी का अफेयर चल रहा है तो वो पूछना चाहते हैं कि भैया वो मुझसे प्यार करता है या नहीं, मेरे लिए लॉयल है या नहीं। तो विल पिक अ कार्ड टू से कि, मतलब किसी और के लिए हम पूछ रहे हैं, जैसे मेरी एक फ्रेंड है उसके लिए पूछते हैं कि अनीता जो है उसका बॉयफ्रेंड उसे प्यार करता है नहीं, तो आप अनीता का नाम लेके एक कार्ड पिक करोगे, फिर मैं उसका इंटरप्रिटेशन आपको बताऊँगी। ओके, सो अनीता, दिस इज फॉर यू, एंड हियर इज माय वन कार्ड। तो ये अनीता का है कि ये यस है या नो है। तो अब ये जो कार्ड आया है हाई प्रिस्टेस का है, तो अभी कुछ पता नहीं चल रहा है क्योंकि माइंड वेवरिंग है बंदे का। तो अभी ना यस है ना नो है, अभी इन बिटवीन चल रहा है। तो दोनों को अपना माइंड मेकअप करना पड़ेगा, अनीता को भी और उसके बॉयफ्रेंड को भी। तो अभी दोनों ने माइंड मेकअप नहीं करा है कि वेदर वी शुड गो इनटू ए रिलेशनशिप और नॉट, तो ये वेट करना पड़ेगा। और दोनों में से एक जना, रादर अनीता के दिमाग में कुछ कुछ खिचड़ी पकड़ी है। वो जो है सीक्रेटिव है, बातें बताती नहीं है अपनी, तो शी इज़ अ सीक्रेटिव पर्सन। तो शुक्र है अनीता यहाँ नहीं है, नहीं तो उसे बुरा लगता उसके बारे में ये जान के। तो ये मेरे को उसका रिलेशनशिप थोड़ा डाइसी लग रहा है, और अनीता की तरफ से ज़्यादा डाइसी है। तो जो क्वेरेंट है, जो प्रश्न करता है, वही थोड़ा सा डाइसी है इस समय। तो हम एक आंसर और ले लेते हैं लड़के की तरफ से कि लड़का क्या चाहता है इसको। लड़का भी जो है ना, उसके मन में भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो ये रिलेशनशिप जो है अच्छा नहीं रहेगा। अच्छा नहीं रहेगा। ओके, कुछ और आप बताना चाहेंगे टैरो के बाद में, कोई और फॉर्म ऑफ टैरो? देखिए, कोई भी टैरो रीडर अपना कुछ भी लेआउट कर सकता है अपने मन में ठान के। जैसे हम कर सकते हैं कि भाई
हमें टैरो से गाइडेंस चाहिए तो आई कैन हैव 4 कार्ड्स फॉर गाइडेंस फॉर से आपके करियर को लेके, ठीक है? तो एंड विल सी कि हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं। हम 4 कार्ड उठाते हैं और ये हम लेफ्ट हैंड से उठा रहे हैं। लेफ्ट हैंड न्यूट्रल हैंड होता है तो ये करेक्ट आंसर देता है लेफ्ट हैंड। तो गाइडेंस में जो आ रहा है पूजा की, अगर आप अपने उसमें काम करोगे, करियर में दिल लगा के काम करोगे तो यू आर एन एम्प्रेस, मतलब आप बहुत पैसा कमा सकते हो, पर कहीं ना कहीं आप बीच में रुक जाते हो, तो अपने आप को रोक लेते हो, बट आपके इस काम में पैसा बहुत है, आपके करियर में पैसा आपके पास बरसेगा अगर आप राइट एक्शंस लेते हो। पैसे की कोई कमी नहीं है। एम्प्रेस का कार्ड आया है, पेंटिकल्स का कार्ड आया है और आपका फाइनेंशियल बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू, दैट रियली साउंड्स वेरी गुड। संगीता जी, एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे, क्या हम टैरो ऑनलाइन सीख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, टैरो रीडिंग ऑनलाइन सीखी जा सकती है, बिल्कुल सीखी जा सकती है, सीखी भी जा सकती है और कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि क्वेरेंट को वहाँ पे प्रेजेंट होना पड़े। ऑनलाइन तो होता ही ना, प्रेजेंट ऑन द अदर साइड ऑफ द फोन तो प्रेजेंट होता ही है, तो तो एनर्जीज वर्क कर सकती हैं, उसकी एनर्जी वर्क करती है, राइट। सो व्यूअर्स, इन केस अगर आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो आप संगीता जी से ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, और कुछ कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं संगीता हीलिंग टेम्पल्स पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, एंड इन केस इफ यू लाइक आवर वीडियोस देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी यू, बाय।